What's up young birds, स्वागत है आप सबका एक और नई Pokemon Unite की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ why you should not buy Comfy। तो टोटल मैंने यहाँ से 20-30 यू नो गेम ऑलरेडी कॉम्फी के खेल लिए हैं एंड उस सारे के सारे गेम्स के बाद दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर। बट एक चीज मैं आपको तुम्हें बताना चाहता हूँ, कॉम्फी इस्तेमाल करना एक अगेन तुम्हारे ट्रेनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कि तुम पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम एक टीम के साथ खेल रहे हो देन मेरे हिसाब से इट्स अ डिसेंट पोकेमॉन, इट्स अ गुड पोकेमॉन। लेकिन अगर तुम सोलो खेल रहे हो देन आई वॉन्ट सजेस्ट इट टू एनीवन। तो जितने यहाँ पर अभी तक मैंने कॉम्फी की गेम खेले थे भाई, सिंपल तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इट विल कॉस्ट यू 575 एओएस जेम्स फॉर नाउ, व्हिच इज रिडिकुलस भाई। 460 को जेम्स का होता, 430 जेम्स का होता तो डाइजेस्टेबल होता, ठीक है। बट 575 जेम्स फॉर अ पोकेमॉन जो कि सिर्फ हील कर रहा है और डैमेज भी देता है, ऐसी बात नहीं है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट तुम्हारा एक है मूव सेट जो कि डैमेज देता है, बट स्टिल ठीक है। अब कॉम्फी के साथ एक और प्रॉब्लम है जो कि तुम्हें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज यू हैव टू स्टिक टू द पोकेमॉन अगर तुम सोलो क्यों जा रहे हो जो कि डैमेज डील करे, ठीक है। अर्ली स्टेज के अंदर हम सबको पता है तुम्हें एक पावर स्पाइक चाहिए होता है, तब तक कॉम्फी इज जस्ट अ कंपेनियन जो कि तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। उस तक यू नो, उससे पहले तक इट्स जस्ट मतलब तुम मूर्ति मान सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर तुम्हारे सोलो क्यू में कोई अच्छा डैमेज डीलर पोकेमॉन नहीं आया, मतलब मान लो तुम्हारा जंगलर है और वो बहुत ही गंदा खेल रहा है, एज यूजुअल सोलो क्यू में यही होता है, हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर जंगल चले जाएगा जिसको खेलना नहीं आता और फिर वो मतलब ऐसी तैसी करवा देगा। तो अगर कोई ऐसा पोकेमॉन आ रहा है तो तुम्हारा कंप्यूटर बीच हो जाएगा। अब बहुत सारी सिचुएशन में यू गोना प्ले अ 4v5 मैजिकली इज अ गुड मूव सेट विद फ्लोरल हीलिंग, बट स्टिल तुम बहुत सारी सिचुएशन में 4v5 रहोगे बिकॉज उस सिचुएशन में तुम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हो। हाउएवर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर तुम टीम के साथ खेल रहे हो देन इन दैट सिचुएशन तुम आराम से वर्क कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास एक टीम है, ठीक है, तुमने उस टीम के अंदर तुम्हारा अच्छी बातचीत है और तुम एक पर्टिकुलर यू नो परफेक्ट पोकेमोन या फिर एक अच्छे जंगलर के साथ स्टिक करके खेल रहे हो, तो तुम काफी अच्छा डैमेज दे सकते हो और काफी अच्छे हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। इन दैट केस यू कैन इजीली यूज कॉम्फी, बट इन सोलो क्यूज तुम्हें थोड़ा सा रिलाय करना पड़ता है अपने ऑपोजिशन के ऊपर और तुम्हारा प्लेयर कैसा है। अब देखो यहाँ पर मैं माथुम के साथ खेल रहा था, हमारे माथुम के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था, ठीक है। उसके बावजूद फिर डेल्ट विद इट परफेक्टली, यूनाइट भी इस्तेमाल करा, मैजिकल लीप देके हमने उसी को कितना ज्यादा परेशान करा और ये माथुम इज प्लेइंग गुड। There's a reason why I was sticking to Machop from the start of the game because I knew it. Machop अच्छा खेलेगा, ये एक solo queue game था भाई। तो इसीलिए तुम्हें select करना पड़ता है कि भाई कौन सा Pokemon अच्छा है कौन सा नहीं, और उसी के according तुम यहाँ पर play बना सकते हो। So yeah, that is it for the video. यही था भाई आज का दिन का you know हमारी प्यारी सी video. Plus मेरे हिसाब से Eldegoss is still good. तुम्हें comfy लेना है तो भाई ले सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं, but you already have better options. Koopa and Weedle are the best X Factor Pokemon, जो कि X Factor Pokemon जो कि अभी के लिए चल रहे हैं Unite, so you should go for that. Otherwise, ठीक है, तो यार दर्द को तुम्हें मैं तुमसे मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए guys, bye bye. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, अच्छी से मिलूंगा, take care.